हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज प्रिया धमेजा, हे योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वाली क्लास लंबी हो रही थी हमारी, तो बोरिंग ना हो तो इसलिए हमने थोड़ा सा पॉज ले लिया था। आपके लिए भी बोरिंग ना हो, मेरे लिए भी बोरिंग ना हो। तो चलिए, बाकी का जो पेंडिंग टॉपिक है आज इसको डन करते हैं। ओके, रेमेडीज सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या रेमेडीज, क्या 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 ऑप्शन अवेलेबल है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो है जब बायर या सेलर जो है अपना अपना पार्ट ऑब्लिगेशन का परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपली ब्रीच। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं नॉन परफॉर्मेंस बाय पार्टीज। जब पार्टीज परफॉर्म नहीं करती हैं, नहीं करेंगी, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, ब्रीच ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल। कैसे कैसे ब्रीच होता है ये देखो, ये फुल चैप्टर जो है आपको इसी के बीच में ही करना है। देखो, ब्रीच बाय बायर और ब्रीच बाय सेलर। ब्रीच बाय बायर क्या है? जब बायर जो है नॉन एक्सेप्टेंस करे गुड्स का, गुड्स भेजी है, डिलीवर करी है सेलर ने उसके पास, लेकिन बायर ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस, प्राइस के लिए वो पे करने के लिए वो रेडी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीच बाय सेलर। जब जो सेलर है वो कैसे ब्रीच करेगा? जब वो सेलर गुड्स की डिलीवरी ना करे, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स और नॉन ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल मतलब ऑनरशिप, ऑनरशिप वो ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो इट मीन्स वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो सेलर के लिए रेमेडीज अवेलेबल है अगेंस्ट द बायर, और अगर सेलर तोड़ता है कॉन्ट्रैक्ट को, ब्रीच करता है, तो बायर के पास रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है अगेंस्ट द सेलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेलर है वो सूट कर सकता है फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए कर सकता है। सूट फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सूट फॉर द एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय बायर, एंड सूट फॉर द इंटरेस्ट। ये अभी अभी हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, रेमेडीज बायर के पास क्या क्या अवेलेबल है? सूट फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, नॉन डिलीवरी के कारण उसको जो डैमेजेस हुए हैं वो उसके लिए सैलर को क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू कर सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए स्यू कर सकता है, और सूट फॉर द डैमेजेस फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय सैलर। एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय सैलर के केस में भी उसको स्यू कर सकता है। ठीक है, अब सेलर का जो जो रेमेडीज अवेलेबल थे अगेंस्ट द बायर वो हमने कर लिया है, तो देखो थोड़ा सा रिवीजन पर्पस के लिए। ये ब्रीच बाय बायर, बायर में कमिट ब्रीच इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल व्हेन ही डजंट एक्सेप्ट द गुड्स, जब वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता, और जो सेलर है ऑफर करता है डिलीवर देम टू हिम, और व्हेन बायर रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स, और जो बायर है वो प्राइस को पे करने के लिए रिफ्यूज कर दे, मना कर दे, उस केस में जो बायर है इट मीन्स वो क्या कर रहा है? वो ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। इन सच अ केस द सेलर मे टेक अ पर्सनल एक्शन अगेंस्ट द बायर, बायर के अगेंस्ट वो पर्सनल एक्शन ले सकता है, और ही मे रिटेन द गुड्स, और वो गुड्स को भी अपने पास रिटेन करके रख सकता है जब तक उसको पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती। ओके, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने अब तक जितनी क्लासेस लगाई, 2 से 3, उसमें किया हमने। ऑन द ब्रीच बाय बायर, बायर जब ब्रीच करता है तो सेलर में टेक द एक्शन, टेक एन एक्शन, कौन कौन से एक्शन ले सकता है? अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स आर राइट टू लैंड, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल, एंड राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी, वो डिलीवरी को विद होल्ड कर सकता है। अगेंस्ट द बायर क्या क्या वो कर सकता है? सेलर क्या क्या एक्शन ले सकता है? सूट फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए उसको स्यू कर सकता है, डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए स्यू कर सकता है, और सूट फॉर द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए वो कर सकता है। अगर जो बायर डिले कर रहा है पेमेंट करने के लिए, तो उन्हीं गुड्स के प्राइस के ऊपर उसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। रेमेडीज ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर, तो ये सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो अभी हम बात करें ब्रीच बाय सेलर। जब सेलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है उस केस में क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिमांड्स लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट बोथ द पार्टीज मस्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन।
बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा, वो भी यही चाहता है कि दोनों पार्टीज अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा करें, पे करें। जब जो सेलर है वो गुड्स को डिलीवर ही नहीं करेगा बायर को, तो वो क्या कर रहा है, वो अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इज सेड टू हैव कमिटेड ब्रीच। अगर कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में देखें, टर्म्स में देखें, तो वो क्या कर रहा है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कमिटेड ब्रीच। इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर, ये सेलर की ड्यूटी है कि वो ट्रांसफर करे, ट्रांसफर ऑनरशिप राइट्स टू बायर, ऑनरशिप राइट्स ट्रांसफर करे। कब कर सकता है, जब वो खुद उन चीजों का ऑनर हो, ट्रू ऑनर हो, तब वो कर सकता है। डिलीवरी गुड्स और ट्रांसफर पोजेशन ऑफ गुड्स टू बायर, गुड्स को डिलीवर करे और गुड्स का पोजेशन बायर को ट्रांसफर करे, ये उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट है, द गुड्स सो डिलीवर मस्ट बी फिट फॉर कंजम्पशन। फिट फॉर कंजम्पशन दैट इज मस्ट बी मर्केंटाइबल। ठीक है, वो मर्केंटाइबल कंडीशन में होनी चाहिए। ये मैं आपको ऑलरेडी इम्पाइल्ड और कंडीशन वाले चैप्टर में करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, फिट फॉर कंजम्पशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द गुड्स मस्ट बी एज पर सैंपल शोन, जैसा सैंपल दिखाया गया है वैसी गुड्स देनी है उसको, डिस्क्रिप्शन जैसी बताई गई है वैसी देनी है, जो क्वालिटी डिमांड करी है वैसी देनी है। ये सारी चीजें हम कंडीशन एंड वारंटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। सैलर की क्या क्या ड्यूटी है, ट्रांसफर करना ऑनरशिप को, ट्रू ऑनरशिप देनी है उसको, अगर वो खुद ट्रू ऑनर है गुड्स का तो वो दे सकता है। डिलीवर द गुड्स एंड ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ गुड्स टू द बायर, जो गुड्स हैं वो फिट फॉर कंजम्पशन होने चाहिए, एज पर सैंपल एज पर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। वेयर द सेलर डज नॉट फुलफिल हिज ड्यूटी, जब वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करेगा, ही इज सेड टू हैव कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो क्या क्या रेमेडीज बायर के पास अवेलेबल है अगेंस्ट द सेलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सूट फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। नॉन डिलीवरी के लिए वो डैमेजेस के लिए उसको क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। द बायर कैन स्यू द सेलर, जस्ट वेट, द बायर कैन स्यू द सेलर डिमांडिंग डैमेजेस फॉर नॉट डिलीवरिंग द गुड्स टू हिम। द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द बायर एज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। जैसा उनके बीच में टर्म्स डिसाइड हुआ है वैसा ही सेलर को गुड्स डिलीवर करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करता है तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो ब्रीच कर रहा है, वो कमिटेड ब्रीच कर रहा है, मतलब ब्रीच कर रहा है, कमिटिंग ब्रीच। ओके, देयर फोर द बायर कैन स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। नॉन डिलीवरी के लिए, डैमेजेस के लिए, जितना भी उसको नुकसान हो उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसको स्यू कर सकता है। डैमेजेस कितने हुए ये हम पता लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, उस टाइम पे मार्केट प्राइस क्या है गुड्स का। ठीक है, आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा आपको। सेकेंड इज सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू कर सकता है। वेयर द सेलर डज नॉट डिलीवर द गुड्स टू द बायर मे ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वो बायर, जो बायर है, देखो अगर सेलर डिलीवर नहीं करता गुड्स को तो जो बायर है वो कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर ले सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एन ऑर्डर बाय कोर्ट कंपेलिंग द सेलर टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। कोर्ट उसको कंपेल करेगी कि वो अपना जो उसका पार्ट है ऑब्लिगेशन का वो पूरा करे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। बट अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी ब्रॉट ओनली व्हेन, कब किया जा सकता है, जब जो आपकी गुड्स हैं वो स्पेसिफिक है और अनसर्टेन गुड्स हैं, स्पेसिफिक गुड्स हैं और अनसर्टेन गुड्स हैं। अब ये क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया। तो देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। और सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन ओनली बी ब्रॉट अगेंस्ट द सेलर, इट कैन नॉट ब्रॉट अगेंस्ट द बायर। ये सिर्फ और सिर्फ सेलर के अगेंस्ट किया जा सकता है, बायर के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है। जहां पर जो
पर्सनल स्किल है सेलर का, वो इन्वॉल्व होता है। जैसे पेंटर हो गया, पेंट फॉर द पेंट, पेंटिंग अ पिक्चर, ठीक है। म्यूजिशियन हो गया, वो अपना म्यूजिक सोल्ड करे, कंपोज किया हुआ म्यूजिक कंपोज वो करे। तो उन केसेस में जैसे जो चीजें हैं वो एंटीक हैं, उसकी पर्सनल स्किल है, तो उस केस में वो इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में स्यू कर सकता है। सच ए सूट कैन बी बॉट अगेंस्ट द गुड्स विच दे से विच वर से एंटीक, जो एंटीक को अगेंस्ट द गुड्स कर सकता है, जो एंटीक हो जिसमें सेलर का पर्सनल स्किल लगा हो, ठीक है। जैसे पेंटर हो गया, म्यूजिशियन हो गया, तो वहां पे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर कोर्ट से क्या ले सकता है, ऑर्डर ले सकता है, ठीक है। फिर कोर्ट उसको क्या करेगी, कंपेल करेगी कि वो अपना परफॉर्म करे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इस केस स्टडी में आपको क्या बताया गया है कि देखो, सेलर की लैंड के ऊपर टिम्बर थे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ बायर के बीच में कि जो बायर है वो टिम्बर्स को क्या करेगा, कट करेगा। अब सेलर ने क्या कर दिया, सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, रिपीट्यूट कर दिया। जो बायर है, बायर को उसने उसने थोड़े से कट कर लिए, बाकी का कह दिया कि वो नहीं ले सकता। द कोर्ट गेव द बायर द रिलीफ बाय द वे ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंडर बायर ने उसको रिलीफ दी बाय अलाउइंग द बायर टू कट एंड टेक अवे द रिमेनिंग टिम्बर, कि वो कट कर ले और बाकी के टिम्बर्स भी ले जाए। बायर उसके लिए ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने कोर्ट से परमिशन ले लिया अंडर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सूट फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, सेक्शन 59। द बायर में सू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी फॉर नॉट डिलीवरिंग द गुड्स टू हिम। बायर जो है सेलर को सू कर सकता है फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी कि उसने गुड्स जो है वो डिलीवर नहीं करी है। तो सेलर कमिट्स द ब्रीच ऑफ वारंटी अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, द बायर कैन सू हिम फॉर द डैमेजेस ओनली। अगर सेलर ने सिर्फ और सिर्फ ब्रीच करा है वारंटी का, गुड्स उसने डिलीवर कर दी है, तो उस केस में जो बायर है वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए सू कर सकता है, बाकी चीजों के लिए नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है, अ बायर में सू अ सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी व्हेन, कब कर सकता है। व्हेन द सेलर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ वारंटी, जब सेलर ने वारंटी को तोड़ा है, और सेलर कमिट्स ब्रीच ऑफ कंडीशन, सेलर ने कंडीशन को तोड़ा है, एंड बट द बायर डिसाइड टू ट्रीट इट एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, कि वो उसको ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्रीट करेगा। इस सिचुएशन में जो बायर है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है फ्रॉम द सेलर। ओके, जो सेलर ने ब्रीच करी है उसके लिए। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। सिंपल सी बात है, अगर जो सेलर है वारंटी को तोड़ता है उस केस में भी सी हो सकता है। अगर तोड़ी तो उसने ब्रीच तो उसने कंडीशन करी है, लेकिन बायर ने खुद उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन ना मानकर ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया है, तो उस केस में भी वो स्यू कर सकता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सूट फॉर डैमेजेस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय सेलर, सेक्शन 60। अ बायर में ब्रिंग अपॉन अ सूट अगेंस्ट अ सेलर हु रिपुड्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले ही उसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, किसने, सेलर ने। उस केस में बायर जो है वो उसके ऊपर स्यू कर सकता है। जब सेलर रिफ्यूज कर दे परफॉर्म करने के लिए बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही वो मना कर दे गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो उसको क्या मानेंगे, उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच मानेंगे कि बायर ने सॉरी सेलर ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो बायर जो है फॉलोइंग एक्शंस ले सकता है अगेंस्ट द सेलर, कौन कौन से हैं, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ ब्रीच एंड सू फॉर डैमेजेस। जब उसने जिस डेट को ब्रीच किया है उसी डेट को वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। और कैन वेट टिल ड्यू टू ड्यू डेट देन टेक एक्शन अगेंस्ट द सेलर। जैसा हमने बायर वाले में नहीं किया, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी 4 जून और 10 जून की, वही सेम केस है यहाँ पे। अब कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो जिस तारीख को कॉन्ट्रैक्ट है जो सेलर के द्वारा ब्रीच हुआ है उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ माने, कैंसिल माने, और उसको
डैमेजेस के लिए स्यू कर दे, और या वो ड्यू डेट की वेट करे और उसके बाद सेलर के अगेंस्ट एक्शन ले। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया सप्लाई करने के लिए 10 बुक्स टू बायर ऑन 3 नवंबर 2014, बट 15 अक्टूबर को ही सेलर ने इंटीमेट कर दिया बायर को कि वो गुड्स जो है सप्लाई ऑफ बुक्स है जो वो नहीं दे सकता ऑन द ड्यू डेट। अब बायर के पास दो ऑप्शन है, इधर द बायर में कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ ब्रीच जो कि थी हमारी 15 अक्टूबर और डैमेजेस को क्लेम कर ले, या बायर वेट करे टिल द 3 नवंबर 2014 जो आने वाली है और उसके बाद जो है सेलर के लिए जो भी उसको डैमेजेस हुए उसको कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ माने उसके बाद कोई एक्शन ले। ठीक है, तो डैमेजेस को कैसे मेजर करना है, प्राइस डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट माइनस प्राइस एग्जिस्टिंग इन द मार्केट एज ऑन 15 अक्टूबर। ठीक है, और अगर वो सेकंड ऑप्शन को चूज करता है तो उस केस में प्राइस डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस एग्जिस्टिंग इन द मार्केट ऑन 3 नवंबर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अगर वो ऑप्शन बी लेता है तो यहाँ पे सेलर को एक चांस मिल जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, टिल द अराइवल ऑफ द ड्यू डेट। इफ ही परफॉर्म्स, अगर वो परफॉर्म कर देता है, पहले उसने मना कर दिया लेकिन फिर भी उसने बाद में मौका उसको मिला तो उसने पूरा कर दिया, ही परफॉर्म्स द बायर कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट देन। अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सूट फॉर द इंटरेस्ट एंड रिफंड, लास्ट पॉइंट है ये। वेयर द बायर पेड द एडवांस बट द सेलर फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन देन द बायर इज इंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ द प्राइस। अगर बायर ने पहले से ही पैसे दे के रखे हैं, एडवांस दे के रखा है और सेलर ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है, उस केस में बायर जो है वो रिफंड क्लेम कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट द बायर मे ऑल्सो स्यू फॉर द इंटरेस्ट। खाली रिफंड के लिए नहीं, जो पैसा उसने जब दे के रखा था उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा सकता है सैलर के ऊपर। ठीक है, जो कि सैलर को देना पड़ेगा। सच इंटरेस्ट शैल बी पेड फ्रॉम द डेट व्हेन द एडवांस वाज मेड टिल द डेट व्हेन द रिफंड इज मेड। ये इंटरेस्ट कब बनेगा, कितना बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितनी तारीख को उसने एडवांस दिया और कब जो है सैलर उसके पैसे उसको वापस करे। कहने का मतलब जितनी देर तक बायर का पैसा सैलर के पास रहेगा उतनी देर तक बायर सैलर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी राइट्स ऑफ अनपेड सैलर के ऊपर। तो बीकॉम स्टूडेंट्स पीयू चंडीगढ़ वाले, तो मैं आपको बता दूं ये मैंने आपको एज पर सिलेबस फर्स्ट यूनिट में जो बताए गए हैं चैप्टर वो पूरे करवा दिए हैं, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मैंने आपको पूरा करवा दिया है। उसके बाद ये आपकी यूनिट 1 है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन 15 15 मार्क्स के पक्का मिलेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर में से पक्का क्वेश्चन आता है। रेमेडीज वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कंडीशन और वारंटी वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको चार, जो अभी ऑनलाइन का पैटर्न तो खैर मुझे इतना ध्यान में नहीं है, जो पहले था आपको 4 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन आते थे उसमें से 2 आपको 15 15 मार्क्स के करने होते थे। तो 2 क्वेश्चन 15 15 मार्क्स के मैंने आपको बहुत ही अच्छे से अपनी ओर से तैयारी करवाने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली होगी। तो जो सेकेंड यूनिट है उसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाला जो टॉपिक है वो भी मैंने चैनल पे ऑलरेडी करवाया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली होगी मेरे वीडियो लेक्चर से। मिली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर में।